अमिशा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या चाहती हैं आप वित्त मंत्री जी से? देखिए, फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, मैं ये मानती हूं कि जो फिस्कल डिसिप्लिन अभी तक मेंटेन किया है उसको टोटली ब्रेक ना कर दें। एंड आई थिंक दैट विल बी द वही सबसे बड़ी एक चीज बजट में देखने लायक रहेगी कि इतने सारे जो प्रेशर है डिफरेंट आई वुडन्ट से लॉबी बट डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी से, जैसे फार्मर्स हो गए, जैसे मिडिल क्लास हो गया, सबका कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है और हाथ तो बहुत तंग है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन भी थोड़ा अभी डाउन ही है। वो सब नजर रखते हुए, डाइवेस्टमेंट का भी इतना कोई ग्रेट स्कोप भी नहीं है, तो वो नजर रखते हुए कैसे फिस्कल डिसिप्लिन टारगेट को फिर भी मेंटेन करेंगे, मुझे लगता है ये वो एक सिंगल पॉइंट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि उसी वजह से थोड़ा बॉन्ड मार्केट डिक्टेट हो जाएगा, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग पे इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ा, पूरी इकोनॉमी में अभी कोई स्पेंडिंग करता है तो सिर्फ ज्यादा करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, अगर उनका ही पैसा रेवेन्यू में चला गया तो बिफोर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कम्स बैक गवर्नमेंट कैपेक्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। तो मिश्रा जी, अगर ये फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को मेंटेन रखती है गवर्नमेंट और सेक्टोरियल को चर्निंग करती है, तो आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इस सेक्टर में या इस जगह पर सरकार काम करेगी, और वहीं से ही आपका कोई शेयर भी आप देना चाहें जो आपकी पिक बन जाए 2019 बजट की? देखिए, वेरी फ्रेंकली, अगर ये फिस्कल डेफिसिट टारगेट मेंटेन तो नहीं करेंगे, थोड़ा तो लूजनिंग होगा बट वो बहुत ज्यादा ना हो, वो ही देखना है, और या कहां तक जा रहा है माइंडसेट वो देखना है। मैं वो अजम्पशन करते हुए कि इट विल नॉट बी अ टोटली इलेक्शन ओरिएंटेड बजट एंड फिस्कल डेफिसिट विल नॉट ब्रीच द मतलब एक रीजनेबल लेवल, तो मैं अभी भी नॉट एज अ बजट पिक बट एज अ ईयरली पिक अभी भी आई विल कंटिन्यू विद माय पिक ऑफ ICICI बैंक, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें दो चीज हो रहा है। एक तो जैसे हम सबको पता है कि NCLT, IBC, whatever आने के बाद रिकवरी साइकिल थोड़ा इंप्रूव हुआ है, एंड एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेशन साइकिल भी पीक आउट हो चुका है, एंड NBFC क्राइसिस बोलो या whatever ओवरऑल क्राइसिस जो PCL लैंड रिलेटेड बैंक्स में है, तो क्रेडिट ग्रोथ जो सिस्टम में है वो लेने के लिए ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स केपेबल है, और उनकी सब्सिडियरीज भी रीजनेबली अच्छा करती है, तो लुकिंग एट द बॉटमिंग आउट ऑफ द पेन पॉइंट्स एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, एंड फुल कैपिटल है उनके पास, वेरी वेल कैपिटलाइज, और 50% तो उनका कासा है आज की तारीख में, मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स इज वेरी अट्रैक्टिव, तो मेरा टॉप पिक कंटिन्यूज टू बी ICICI बैंक। ठीक है, तो ICICI बैंक पे आप और भी फोकस कर